ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया दो ध्रुवों में बटी दिख रही है, वैश्विक मंच पर भारत की धाक बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी इसी महीने अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अमेरिका ने भारत की ओर भारतीय लोकतंत्र की खुलकर तारीफ की है। अमेरिका ने भारत के लोकतंत्र की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। अमेरिका का कहना है कि अगर किसी को इसे देखना है तो वो खुद भी भारत जाकर इसे देख सकता है। अमेरिका के इस बयान से ऐसा लगता है कि जैसे उसने भारत के लोकतंत्र को लेकर उठ रही चिंताओं को खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन कीर्बी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, अगर कोई इसे देखना चाहता है तो खुद दिल्ली जाकर देख सकता है। और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि लोकतांत्रिक संसाधनों की ताकत पर चर्चा होती रहनी चाहिए। भारत के लोकतंत्र पर उठते सवालों के जवाब में कीर्बी ने कहा, देखिए हम अपनी बात कहने से हिचकते नहीं हैं और आप दोस्तों से खुलकर बात कर सकते हैं, दोस्तों के साथ आप ऐसा ही कर सकते हैं। अमेरिका ने की भारत की तारीफ। 19 नवंबर 2022 G20 की घोषणा पर अमेरिका ने की थी भारत की तारीफ। 22 नवंबर 2022 व्हाइट हाउस से अमेरिका और भारत के रिश्तों को महत्वपूर्ण बताया था। 11 दिसंबर 2022 भारत को विश्व की उभरती हुई महाशक्ति कहा था। 4 अप्रैल 2023 अमेरिका ने कहा कि कई क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है इंडिया। 23 मई 2023 अद्भुत हाथों में है भारत, एरिक गोस्टिक अमेरिकी राजदूत। एक तरफ अमेरिका भारत की कई मामलों पर तारीफ कर चुका है, लेकिन कई ऐसे मौके भी आए हैं जब अमेरिका ने भारत की आलोचना की है। दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की 2022 की रिपोर्ट अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 15 मई को जारी की थी। भारत, चीन, रूस, सऊदी अरब जैसे देशों में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में क्या कहा गया था? भारत में राज्य सरकारें अल्पसंख्यकों को खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ मनमानी करती है। कई राज्यों में पुलिस ने ईसाई धर्म के लोगों को ये कहते हुए गिरफ्तार किया कि वो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आवास, अल्पसंख्यक मुद्दों और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूतों ने जून 2022 में मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की थी। रिपोर्ट में 2022 में हुई दिल्ली हिंसा का भी जिक्र किया गया। इसमें अक्टूबर 2022 में जारी हुई एक सिटीजन कमिटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया, पुलिस ने प्रोटेस्ट करने वालों के साथ मारपीट की, इसमें से ज्यादातर प्रदर्शनकारी मुस्लिम थे। हालांकि भारत ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2022 को खारिज कर दिया। भारत ने कहा अमेरिका की रिपोर्ट गलत जानकारी पर आधारित है। दुनिया में किसी को लेकर भी अगर हमें कोई चिंता है तो हम उसे बात करने में हिचकते नहीं है, लेकिन ये यात्रा भारत अमेरिका के मौजूदा संबंधों को और आगे ले जाने के लिए है। हमें उम्मीद है कि गहरी मजबूत साझेदारी और दोस्ती आगे बढ़ेगी। अमेरिका की तरफ से की गई तारीफ कहीं ना कहीं विश्व में भारत की ताकत को दिखा रही है। साथ ही ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका भी भारत की बढ़ती ताकत से परेशान है।